नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर टाइम्स और मैं आपके साथ भारती पे। देखिए, एम्बुलेंस कंट्रोल रूम के बाहर मौजूद हैं और आज यहां पर सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा है। क्यों छापा मारा है? देखिए, बीते दिनों से कई बार एम्बुलेंस ड्राइवर्स के खिलाफ कई सारी शिकायतें आ रही थी। जो यहां पर लोग आते हैं जिनके परिवारजन बीमार होते हैं, जो परिवारजनों के साथ होते हैं और बीमार होते हैं, और जब यहाँ पर लेकर आते हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं होती है मरीज की, और उनको जो है रेफर करने को कहा जाता है डॉक्टरों द्वारा सफदरजंग के लिए। लेकिन जब एम्बुलेंस में बैठते हैं, वो परिवार जब बैठता है, तो एम्बुलेंस ड्राइवर जो है, जो एम्बुलेंस चालक है, वो परिवार को जो है गुमराह करते हैं और इधर उधर की बातें करके उनको गुमराह कर उनको ये कहते हैं कि आप इतनी दूर जाओगे, टाइम लगेगा, तब तक मरीज को कुछ हो जाएगा, खर्चा भी हो जाएगा, किराया भी लगेगा, इससे अच्छा आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपने मरीज का इलाज करवाएं। तो उनको गुमराह कर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भेज दिया जाता है, जिसको लेकर जो है कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिकायत की थी और कई सारे जो हैं पहले भी शिकायत थी, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था। इसी के चलते आज यहां पर सीएम फ्लाइंग द्वारा छापेमारी की गई है, डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए हैं, एम्बुलेंस चेक की गई है, किस तरीके से कार्य किया जा रहा है वो सब चेक किया गया है। क्या कहना है, आइए एक बार जानते हैं। सभी जिलों के बारे में रिपोर्ट थी, घोटाले की शिकायत की गई थी, क्या उसी पर ये कार्रवाई की जा रही है? नहीं, आज शिकायत पर नहीं, आज ये एक औचक निरीक्षण है जो सभी जिलों में है। जो हमारे एडीजीपी सर हैं, उनकी तरफ से हमें ये हिदायत है कि सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे आज जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं उनके संबंध में औचक निरीक्षण करना है, जिसकी रिपोर्ट सरकार को जाएगी कि ये सर्विसेज सुचारू रूप से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, और अगर कोई कमियां अनियमितताएं पाई जाती हैं तो वो क्या अनियमितताएं हैं और उसमें किस किस में। यहाँ कराने पर कुछ मिली से खामियां मिली? अभी औचक निरीक्षण चल रहा है, हम लोगों ने जो है प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो भी हमारे को अनियमितताएं मिलेंगी हम आपको भी अवगत कराएंगे और उनके बारे में लिखित रिपोर्ट जो है हेडक्वार्टर को भी।